हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीसी एक्सपोर्ट शेयर के ऊपर, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जिंदल ट्रिल शेयर के ऊपर और सिग्निटी टेक शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको और भी स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसबीसी एक्सपोर्ट्स शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज हम लोगों को 10% का एक शानदार तेजी देखने को मिला। मॉर्निंग में स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट। फाइनली स्टॉक अगर देखेंगे 11 एएम से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है अपने डे के हायर साइड पे ही क्लोज हुआ है। लास्ट वन मंथ में स्टॉक ने 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और स्टॉक वन मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट वन ईयर में स्टॉक ने 211% का रिटर्न दिया है और स्टॉक वन ईयर के हाई पे ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे तो स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही प्यारा चार्ट सेटअप इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्लियरली देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक ने फर्स्ट टाइम मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट, वापस से ब्रेकआउट दिया 10 रुपीज़ के लेवल के ऊपर, एक बहुत ही शानदार तेजी। एक अगेन यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, वापस से आपको एक अच्छा तेजी, रिट्रेसमेंट। अगेन यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रीवियस 4 मंथ से स्टॉक में कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे अगर बात करेंगे, मंथली चार्ट पे अभी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। वीकली चार्ट पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है एक बहुत ही अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था और इस चैनल पैटर्न को स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। अगर हम लोग इस चैनल पैटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पे इस चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था और स्टॉक ने इस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया है। स्टॉक जो है इस चैनल पैटर्न का आपको ब्रेकआउट कर चुका है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो स्टॉक वीकली बेसिस पे मल्टीपल इनसाइड कैंडल का भी ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक प्रीवियस 3 वीक से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, अभी यहाँ पे स्टॉक ने इस रेंज को भी ब्रेकआउट कर दिया है। तो मल्टीपल इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट भी हम लोगों को वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ चैनल पैटर्न का भी ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोगों को वीकली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश पोजिशन लेते हैं तो आपको एक चीज का क्लियर ध्यान रखना चाहिए, जो मंथली चार्ट पे रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, यानी कि स्टॉक में आपको एक बार और एडिशन करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जब स्टॉक में मंथली चार्ट पे रिट्रेसमेंट होगा। बट अभी अगर देखेंगे वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है, साथ ही साथ मंथली चार्ट पे भी एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक में हम लोगों को 50 रुपीज के लेवल की साइड एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 26 रुपीज के नीचे हम लोग अपने वीकली क्लोजिंग बेसिस पे SL को प्लेस करेंगे और ऊपर की साइड में जो है हम लोगों का टारगेट आपको 50 रुपीज का लेवल यहाँ पे होगा। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है जिंदल ड्रिल। इस स्टॉक में एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला। स्टॉक लास्ट वन ईयर में 150% का रिटर्न दे चुका है। लास्ट ईयर नवंबर में इस स्टॉक का मैंने चार्ट अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया था, तभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 308 रुपीज़ पे। यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया था 10 ईयर का, ये ब्रेकआउट था, उसके बाद जो है हम लोगों ने इस स्टॉक को यहाँ पे शेयर किया था। उसके बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक में रिट्रेसमेंट भी हुआ, बट उसके बाद जब स्टॉक ने यहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे 150% से ज्यादा का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम लोग इस लो से बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट 200% से ज्यादा का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार रैली दिया है और स्टॉक में वापस से हम लोगों को मंथली चार्ट पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक जो है 15 ईयर का स्टॉक जो है ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम स्टॉक जो है आपको 2008 के अक्टूबर मंथ में इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया था, 750 के लेवल के नीचे, 740 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया था, और अब जाके यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 ईयर के बाद स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है। तो एक बहुत ही मैसिव ब्रेकआउट इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस स्टॉक में भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, स्टॉक में यहाँ पे कंटिन्यूअस मोमेंटम हो रहा है, नो डाउट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, बट ये ब्रेकआउट काफी नीचे के लेवल से हुआ है, तो स्टॉक हो सकता है इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे भी कुछ टाइम के लिए ट्रेड कर सकता है और उसके बाद वापस से स्टॉक जो है यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए आपका पोजिशन बिल्कुल लाइट होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक बहुत ही जबरदस्त रैली कर चुका है, एक रिट्रेसमेंट, एक यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, हो सकता है ये थोड़ा ऊपर जाके आ जाए, हो सकता है यहाँ पे अभी आ जाए, ये हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जरूर आएगा। रिट्रेसमेंट आएगा तो आप चाहे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट में पोजीशन ले सकते हैं, या फिर अगर अभी आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो फिर मेक श्योर कीजिए आपका पोजीशन बिल्कुल लाइट हो। और चलिए लास्ट स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है सिग्निटी टेक। स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग इस स्टॉक के मंथली चार्ट पे बात करेंगे, स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था 500 के लेवल पे, 500 के लेवल के बाद स्टॉक ने आपको मोमेंटम किया, वापस से नीचे गया, 335 के लेवल पे स्टॉक ने यहाँ पे लो लगाया और उसके बाद स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल रहा है। प्रीवियस मंथ में भी हम लोगों ने इस स्टॉक में देखा था एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, इस स्टॉक को भी हम लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था, और अब अगर यहाँ पे देखेंगे जो है स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। स्टॉक प्रीवियस वीक में जो है एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया था, इस वीक में भी अभी तक स्टॉक जो है मदर कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का भी फॉर्मेशन वीकली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऊपर की साइड में एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है 1500 की तरफ, तो इस स्टॉक में अगर आपका पोजीशन है आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं, इनकेस अगर आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे जो है इस स्टॉक में आपको वेट करना है 1156 के लेवल के ऊपर, अगर कल ये स्टॉक निकल के सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो फिर आप यहाँ पे भी फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं। नीचे की साइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो इमीडिएटली आप एसएल को प्लेस कर सकते हैं 1060 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।